हेलो गाइस, वेलकम टू डी मैथ्स। चैप्टर है हमारा लीनियर इनइक्वालिटी, एनसीईआरटी, क्लास 11, एक्सरसाइज 6.3। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। आपको पता है इन सारी लीनियर इनइक्वालिटीज को ग्राफ पे शो करना है और इनका सॉल्यूशन दिखाना है। चलिए करते हैं। पहले लीनियर इनइक्वालिटी को करने जा रहे हैं, तो मैंने एक्स को मान लिया जीरो, तो देख लेते हैं बच्चों वाई कितना आता है। ये तो जीरो है, इसकी कोई वैल्यू नहीं। टू इधर मल्टीप्लाई होगा, उधर जाके डिवाइड होगा, तो कितना आ जाएगा 75। x 0 था तो y 75 आ गया। यहां पर करते हैं, अब हमने कर लिया आपका y को 0 मान लिया, तो ये तो 0 हो जाएगा। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर होगा डिवाइड और आ जाएगा 50। तो हमने जब y को 0 माना तो x 50 आ गया। चलिए इसे ग्राफ पे शो करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। x हमारा 0 है, ये रहा 0। y हमारा 75 है, तो 75 यहां पर आएगा। 70 और 80 के बीच में आप देख सकते हो बच्चों, 70 और 80 के बीच में। अब x हमारा 50 है, x हमारा 50 है और y हमारा 0 है ना, तो मतलब यहीं पर रुकना है। चलिए हम इसको खींचते हैं लाइन को। चलो अब यहां से खींचेंगे, चलो थोड़ी बहुत सही बनी है। और इस इक्वेशन का, अच्छा इसे हमने लाइन खींचना है, डॉटेड खींचना है। आप देखिए इनइक्वालिटी स्लैक है तो सीधी कंप्लीट लाइन खींचेगी। और अब आपको पता है लाइन का नाम लिख देता हूं, 3x + 2y = 150। अब चलो चेक करते हैं कि ये हमारी लाइन का ग्राफ कहां बनेगा, इसकी शेडिंग्स कहां बनेगी। हम अपनी इनइक्वालिटी पे बिठाते हैं ओरिजिन 3x + 2y > 0। तो बच्चों यहां पर 0 बिठाएंगे और y पर भी 0 बिठाएंगे, > or = 0। इन्हें सॉल्व करेंगे, 0 आएगा और ये 150। 0 150 से छोटा होता है, एक लाइन तो सही होगी तो ट्रू मानेंगे। और अगर ये ट्रू है तो इसकी जो शेडिंग होगी ना बच्चों, वो होगी हमारी ओरिजिन की तरफ, टूवर्ड्स ओरिजिन होगी। तो चलिए बनाते हैं इसकी टूवर्ड्स ओरिजिन। ये ओरिजिन की तरफ देख सकते हैं आप लोग, ओरिजिन की तरफ है। ओरिजिन की तरफ कर दी इसकी शेडिंग। तो चलिए अब दिखाते हैं दूसरी लीनियर इनइक्वालिटी। तो बच्चों आप देख सकते हैं दूसरी लीनियर इनइक्वालिटी को मैंने उतार दिया, तो चलिए इसे भी हम जल्दी से शो कर देते हैं। हम x को मान लेते हैं 0 और y देखते हैं क्या आता है। ये तो 0 है, 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा कि डिवाइड होगा तो आ जाएगा 20। एक्स 0 वाई 20, ठीक है। यहां करते हैं, अब जल्दी से मान लेते हैं y को 0। यार अगर ये 0 हो गया तो x तो 80 आ गया, फिर y 0 तो x 80। चलो इसे ग्राफ पे शो करें, x हमारा 0 तो y है हमारा पॉजिटिव 20, मतलब कि ये रहा। x हमारा 80 तो y हमारा 0 है, तो मतलब यहीं पर रुकेंगे। तो चलिए जल्दी से इसकी लाइन भी खींच देते हैं, ये खींचते हैं। इस इक्वेशन का नाम लिख देते हैं x + 4y = 80। दिया, तो चलिए बच्चों ये वाली लाइन भी, यानी इनइक्वालिटी भी दिखा दी। और ये भी देखो स्लैक है, देखो स्लैक है ना, इसलिए स्ट्रेट लाइन खींची। अगर स्ट्रिक्ट होती तो डॉटेड लाइन आती, ठीक है। तो अब बच्चों इसे ओरिजिन पे बैठाते, अपनी इस इनइक्वालिटी पे ओरिजिन बिठा देते हैं जल्दी से, x + 4y > 80। जहां पर x होगा वहां पर भी 0 और जहां पर y होगा वहां पर भी 0। ये सॉल्व होकर 0 आएगा, 0 और 80 में 0 छोटा है, बिल्कुल सही, तो ये ट्रू हो गया। और अगर ये ट्रू है तो इसका जो शेडिंग्स होगी वो हमारी किसकी होगी, टूवर्ड्स हमारा ओरिजिन की तरफ, ठीक है। ठीक है, ओरिजिन की तरफ कर दिया है। अब एक काम करते हैं जल्दी से बच्चों, दिखाते हैं अपनी इस वाली इनइक्वालिटी को, फिर इस वाली को, फिर इस वाली को। तो बच्चों अब आप देख सकते हो हमारी तीसरी लीनियर इनइक्वालिटी है, इसे ग्राफ पे शो करेंगे। इक्वेशन मान लिया है यार x = 15 का मतलब है y कुछ भी ले लो x 15 ही आएगा, y 0 लूंगा तो भी x 15, y 10 लूंगा तो भी x 15 आएगा, कुछ भी ले लो x तो 15 ही आएगा। तो चलो देखते हैं इसे, y हमारा 0, देखो x हमारा 15 कहां पर आएगा, ये रहा इसके बीच में, x हमारा 15 है और y हमारा क्या 0, तो मतलब यहीं पर आ गया। x हमारा दोबारा 15 है, y हमारा क्या 10 है, तो भी 15 आ रहा है, तो मतलब कि ये कुछ ऐसे रहेंगे इसीलिए। इस वाले का नाम क्या, इक्वेशन का x = 15, y कुछ भी हो x हमेशा 15 ही चलता रहेगा। अब एक काम करते हैं इसकी शेडिंग देखते हैं, शेडिंग्स कैसे देखेंगे हम, इस वाली लीनियर इनइक्वालिटी पे बिठाएंगे अपना ओरिजिन,
जहां पर x है वहां पर 0 बिठा दिया, और देखो 0 15 से छोटा होता है, बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। इस वाली को नहीं देखो, ये भले एक फॉल्स हो, एक अगर ट्रू हो भी रहा है तो ट्रू मानते हैं। तो चलिए इसकी शेडिंग हमारी कहां होगी, टुवर्ड्स ग्रीन लेते हैं, ओरिजिन की तरफ होगी। बच्चों ध्यान से देखते रहना, चलिए ये भी हो गया, ठीक है ध्यान से देखना बच्चों, ये भी हो चुका है। अब हम जल्दी से दिखाते हैं y और यली लीनियर इनइक्वालिटी को, और यली लीनियर इनइक्वालिटी। तो बच्चों अपनी इस लीनियर इनइक्वालिटी को दिखाना है, इसका मतलब y 0 ही रहेगा चाहे x को कुछ भी ले लो, x 10 y तो भी 0, x 20 y तो भी 0। देखो ध्यान से देखना, वैसे y is equal to 0 इस चीज को ना थोड़ा दिमाग में रखना, y is equal to 0 का मतलब क्या होता है, ये x एक्सिस दिखा देता हूं भले करके, x हमारा 10 है y 0 है, x हमारा 10 है ये रहा, और y क्या 0, x हमारा 20 है और y क्या 0, देखो यही है ये होता है हमारा y is equal to 0, y is equal to 0 हमारा हमेशा वो होता है x एक्सिस, और ये तो ओरिजिन पे यार इसकी कोई शेडिंग नहीं होगी। उसी तरह देखो इस वाली को देख लो, अब इसको भी हाथों हाथ दिखाई देता हूं, x equal to 0 इसका मतलब है, x equal to 0 का मतलब है y एक्सिस पर आएगा, x equal to 0 याद रखना, हमारी जो y एक्सिस होती है उसकी इक्वेशन होती है x is equal to 0, और जो x एक्सिस होती है उसकी इक्वेशन होती है y equal to 0। अब आपको पता है तो ओरिजिन पे आ रही है, इनकी शेडिंग नहीं होगी, तो कौन सा पार्ट ऐसा है जहां पर सारे मिक्स हो रहे हैं, तो मैं काम करता हूं मैं डार्क करके दिखाता हूं आपको, ये वाला पार्ट है। पता है आप लोगों को शायद मेरे डायग्राम में अच्छा सा क्लियर ना हो, लेकिन अगर आप लोग ना इसको खुद से अच्छे से कलरफुल मार्कर से पेन से करते हो आपको इजीली पता चल जाएगा। बच्चों मेरे ना थोड़ा सा इनकम हो रही है, इसमें से थोड़ा ढंग से दिख भी नहीं पा रहा होगा आपको कैमरा में, तो ये पक्का आपको क्लियर हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, उतार लीजिए इसे जल्दी से।